इंडिया अलायंस जो है वो मजबूती से रहेंगे, लड़ेंगे, भारी संख्या से चुन कर भी आएंगे और एक भारत माता का रक्षा करने की जिम्मेदारी आज खास करके हम सारे भारतीय और इंडिया आगाड़ी के ऊपर आई है। संविधान को नष्ट करने का एक दुष्ट विचार जिस तरह से भाजपा के मन में आए उनको समाप्त करके बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान, भारत माता का रक्षा ये करने की जिम्मेदारी हमारे पास है और गरीब लोगों की राज सत्ता फिर एक बार आएगी। अब आप मुझे बताइए कि बार बार अगर धर्म को देश के ऊपर रखने लगता है तो क्या इससे देश की जीत होगी? तो अब जनता समझने लग गई है कि जब जब आप धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम धर्म की आड़ में देश को विभाजनकारी सोच में बदल रहे हैं, तब्दील कर रहे हैं जो देश के लिए नहीं कर रहे। आगे के जो साल है उनमें ऐसा क्या प्लान है जिससे लोगों को लगना चाहिए कि आपके साथ आपको वोट करना चाहिए? सर देखिए, कोई भी डेवलपमेंट अगर करनी है तो स्किल्ड पीपल, स्किल्ड यंग जनरेशन उसमें आवश्यक है। आज अगर आप देखें तो 18 से 35 साल की उम्र जो लोगों की कार्य क्षमता बहुत अच्छी होती है और जो देश को महासत्ता बना सकती है, उसी में 65% तरुण है वो पूरे बेरोजगार है, उनके पास नौकरी नहीं है। गेले 10 साल में 17.5 लाख लोगों ने देश छोड़ा है, उसमें से 2.5% है जो 500 करोड़ की संपत्ति के ज्यादा मालिक है, जो इधर रोजगार उपलब्ध कर सकते वो देश छोड़ के चले गए, बाकी जो है वो नौकरी ढूंढने परदेश में चले गए। अगर ये प्रतिभावंत लोग यहाँ रहते तो ये देश महासत्ता हो जाता, इसका इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाता, लेकिन ये जो चल रहा है इधर उनको कहीं भी रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको इसमें उनके अंदर जो प्रतिभा है उसके लिए उनको संधि नहीं मिल रही है। तो देश को महासत्ता बनाना है तो एजुकेशन ये बहुत जरूरी है। जॉबलेस ग्रोथ ये अर्थव्यवस्था का बड़ा अड़थड़ा माना जाता है, तो ये डेवलपमेंट की तरफ जाने के लिए बहुत जरूरी है। और जिस तरह 10 साल में भाजपा सरकार की ये चाल रही है, मुझे नहीं लगता कि आगे इनमें कुछ सुधार आ जाएगा। तो ये सरकार जानी चाहिए, इंडिया आघाड़ी की सरकार आनी चाहिए, जो किसान हो, महिला हो, सबको जो जो चाहिए विकास के तरफ ले जाने वाला, उन्नत करने वाला वो दे सकते हैं। सर मेरा एक सवाल है आपसे, एक ही सवाल है सर। जैसे कि उन्होंने कहा है कि तीर धनुष कभी हार नहीं सकता क्योंकि वो राम जी का है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि मसाल किसका है और वो हार सकता है या जीत सकता है, क्या बताइए? उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी का सिंबल है जी, और मशाल जिसके हाथ में होती, मशाल पिक्चर देखी थी आपने? मशाल से क्रांति जलती है, क्रांति होती है, तो इस महाराष्ट्र में और देश में क्रांति की मशाल है। थैंक यू सो मच सर।